नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। जबलपुर के खमरिया आयुध फैक्ट्री में आज सुबह एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 9 कर्मचारी से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि मृतकों की सही संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है। यह विस्फोट एक 6 सेक्शन में एक हवाई बम के फटने से हुई है, जिसमें इमारत ढह गई और कई कर्मचारी मलबे में दब गए। घायलों को गंभीर जलन के साथ तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फैक्ट्री के अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि विस्फोट 30-40 साल पुराने रूसी पेचोरा बम के बॉयल्ड आउट प्रक्रिया के दौरान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे 4 सहयोगी इस इमारत में थे और 2 गंभीर रूप से घायल हैं और 1 लापता है। राहत कार्य अभी जारी है। पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर मौजूद है। फैक्ट्री में पहले भी ऐसे विस्फोट हो चुके हैं। मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है और DRDO की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। आज आनंदवाड़ी खमरिया में रशियन एक हमारा पेचोरा बम है, उसको बॉयल्ड आउट किया जाता है। लगभग 30-40 साल पुराना बम है ये। उसको बॉयल्ड आउट का जो प्रोसेस है वो लगातार हम लोग कई समय से करते आ रहे हैं। उसमें ये ब्लास्ट हुआ है और जिस भवन में ये ब्लास्ट हुआ है उसमें 4 कर्मचारी हमारे साथी थे। 3 जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया है महाकौशल हॉस्पिटल में। 1 अभी मिसिंग है और दूसरे भवन में उसके जस्ट लगा हुआ एक और भवन था, वहाँ लगभग 11 कर्मचारी थे, वो सब सुरक्षित हैं और उनको कोई ऐसा गंभीर चोट नहीं आई है। डेथ नहीं हुई, अभी मिसिंग है एक्चुअल में। जब तक हमको वो मिल नहीं जाएगा हम कैसे उसको प्रमाणित करेंगे। वो मिसिंग है अभी, उसके लिए लगा है टिकट नंबर और बाकी पूरा, क्योंकि मलबा गिरा है, पूरा बिल्डिंग डैमेज हो गई है, इसलिए उसको ढूंढ रहे हैं। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? वो तो इंक्वायरी अभी कॉन्स्टिट्यूट हो गई, इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है DRDO की गाइडलाइन के हिसाब से होता है, उस हिसाब से चल रहा है ये प्रोसेस। DM साहब बता रहे थे कि ये कोई नया नहीं है, हम लोग जैसे काम कर रहे हैं। हाँ, ये लगभग बहुत पहले से ये काम चल रहे हैं इस प्रकार के। आप अपना नाम और पद बता दें। मैं आनंद शर्मा हूँ, INTUC का महामंत्री हूँ मैं। आज लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने वाराणसी स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉलेज से महान शिक्षाविद एवं राजनेता संपूर्णानंद जी का नाम हटाए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बनारस में पुराने प्रतिष्ठित स्टेडियम के आधुनिक निर्माण के उद्घाटन के साथ ही स्टेडियम से जुड़े बाबू संपूर्णानंद का नाम हटा देना आपत्तिजनक एवं शर्मनाक ही नहीं, काशी एवं उसकी गौरवशाली विरासत का अपमान भी है। सरकार के इस निंदित कार्य से काशी के लाखों लोग आहत हुए हैं और दुखी हैं। राहुल गांधी अजय राम, प्रियंका गांधी अजय राम। काशी में नाम बदलने को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही। आज राजधानी लखनऊ में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय राय जी, इनसे बात करेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इनसे बात। सर, काशी में स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? पूरे प्रदेश के अंदर ये संपूर्णानंद जी के नाम से जो जिन्होंने नाम बदला है स्टेडियम का, संपूर्णानंद जी काशी के नहीं पूरे प्रदेश के लोगों के जन जन में विराजमान हैं, काशी के कणकण में विराजमान है। संपूर्णानंद जी जैसे महापुरुष का नाम, मनीषी का नाम मोदी जी ने हटाया है, मैं समझता हूँ कि उनको काशी के बारे में जानकारी नहीं है। वो हवा हवाई नेता हैं बनारस में, केवल आके हवा हवा पानी पे चुनाव जीत रहे हैं। पर संपूर्णानंद जी ने जो काशी के लिए किया, आज जो DLW का नाम इन्होंने BLW किया, ये संपूर्णानंद जी की देन है, जहाँ 10 से 15 हज़ार लोग काम करते चले आ रहे हैं। संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ आज वहाँ से मोहम्मद शाहिद जैसे लोग, विवेक सिंह जैसे लोग, ये ओलंपियन पैदा हुए,
जो जो उस जगह से खेल के निकले हैं, वहाँ का नाम बदल दिया इन्होंने। बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो पहला संस्कृत विश्वविद्यालय इस देश का रहा है, उसकी स्थापना संपूर्णानंद जी ने की। उनको नाम को भुलवाना मैं समझता हूँ मोदी जी के बस की बात नहीं है। ये उन्होंने जो आज उनका नाम बदल कर ये घोर उनका अपमान किया है, महापुरुषों का अपमान किया है, ये काशी के लोग, पूरे प्रदेश के लोग कभी नहीं भूलेंगे। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी अब हिट विकेट होने जा रही है, आउट होने जा रही है। सर, बहराइच पे दंगे को लेकर जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो युवक आपस में बात कर रहे हैं साजिश के तहत, इसको लेकर भाजपा के विधायक ने FIR भी दर्ज कराया समर्थन को, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या प्लान करके हुआ, कैसे हुआ दंगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये प्लानिंग के तहत पूरा ये कार्य कराया इन्होंने। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने पुलिस से छूट मिली उनको, ये मैं पहले से कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं और विधानसभा में कैसे भी उपचुनाव जीतें, ये तो योगी जी की कुर्सी खतरे में है, कुर्सी चली जाएगी। इस नाते उन्होंने ये पूरी तरीके से प्लानिंग करके काम किया है, पर पूरी तरीके से जाने वाले हैं, कुछ भी करा लें, दंगा करा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, महिला सिपाही के से बलात्कार हो रहा है, प्रिंसिपल की हत्या हो गई कल भदोही के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है, जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए हम सब लोग एकजुट हैं, इनको इनको यहाँ से हटाएंगे। और निश्चित तौर से ये भाजपा जो दंगा करा रही है ये सबके सामने आ गया और ये अब जाने की तैयारी में है। क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर 5 सीटों को मांग थी लेकिन सहमति नहीं बन पाएगी, अब समर्थन पर आ गई है कांग्रेस पार्टी, क्या आगे गठबंधन रहेगा, कैसा समर्थन रहेगा, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी रहती है, रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ी है, हमारा एक ही ध्येय है जंगल राज को खत्म करना, इनके जंगल राज को। कोई भी परिस्थितियाँ आएंगी, ये गठबंधन मजबूती से रहेगा, हम गठबंधन के साथ हैं। और कांग्रेस निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका जी, खड़गे जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, सब लोग मिलके खड़े हैं, गठबंधन मजबूती के साथ रहेगा, जंगल राज को हटाना है। दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने को लेकर कांग्रेस के ऊपर FIR हो गई 22 लोगों के खिलाफ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गलत चीज़ का विरोध करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, करेंगे। एक नहीं, वो कितने भी FIR कराते, हमारा कोई कार्यकर्ता न डरा है न कभी डरेगा, जमकर लड़ेगा और गलत चीज़ों का विरोध करेगा। महिला विरोधी सरकार जिन्होंने हमारी नेता का अपमान किया, हमारी प्रियंका जी का अपमान किया, महिला होने के नाते वो लगातार महिलाओं की बात उठाती रही हैं, और ये सरकार, ये भाजपा के लोग, दिनेश सिंह जैसे लोग जो महिलाओं का विरोध करते चले आ रहे हैं, इनका पूरी कांग्रेस पार्टी उतरकर सड़क पर विरोध करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि काशी में स्टेडियम का नाम बदलने से भाजपा बैकफुट पर आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सोमवार को पटना स्थित सशस्त्र सीमा बल के फ्रंटियर मुख्यालय में शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 के बीच राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की साहूति देने वाले 213 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। शहीद हुए वीरों में SSB के 2 जवान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए। कर्पूरी ठाकुर सदन में महानिरीक्षक नायर हसनैन खान IPS के नेतृत्व में स्मृति समारोह हुआ। कार्यक्रम में स्मृति परेड और बैंड दस्ते की श्रद्धांजलि के साथ शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। उप महानिरीक्षक कुमार चंद्र विक्रम और के रंजीत, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर SK मंडल, कमांडेंट अशोक सजवान और सुब्रतो सहाराय और द्वितीय कमान अधिकारी कुमार राजीव रंजन सहित अन्य अधिकारी और कर्मी श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ ने आज लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय पर अपनी शासन स्तर पर लंबित मांगों का शासनादेश निर्गत करने के विरोध में प्रदर्शन किया। जब तक शासन द्वारा उनकी मांगें नहीं पूरी की जाती, तब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के प्रदेश अध्यक्ष बकायदा निर्जल अनशन पर बैठे रहेंगे। माध्यमिक शिक्षणेतर संघ का कहना है कि सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी एवं लिपिक वर्ग के 45,000 पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें
भरा नहीं जा रहा। वहीं आउटसोर्सिंग वाली कंपनियां गरीबों का नियुक्ति के नाम पर शोषण कर रहे हैं। 6-6 महीने तक कंपनियां संविदा कर्मियों को तनख्वाह नहीं दे रही है। वहीं विभाग के लाल फिताशाही पूरी तरीके से हावी है। इस पूरे मुद्दे पर जनता टीवी ने यूपी माध्यमिक शिक्षणेतर के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा कार्यालय पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के जो कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारी तादाद में लोग हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी बातों को, जो उनकी मांगे हैं वो नहीं पूरी है, उसको लेकर इन लोग ने 3 दिन का धरना देने का निर्णय लिया है। जरा कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें पैन करके पीछे दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं वो सरकार की तरफ से नहीं सुनी जा रही, उसी को लेकर आज 3 दिन का निर्णय लिया गया है कि प्रोटेस्ट करने को लेकर। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या मांगे थी जिसकी वजह से जिसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीश कुमार मिश्रा है। आप कहाँ से हैं? मैं जनपद रामपुर से हूँ। क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से? आप लोग कहीं गए अभी तक कि नहीं? पिछले लंबे समय से हमारी मांगे सरकारी स्तर पर मांगी जा रही हैं और सरकार ने सहमति भी बना ली, लेकिन सरकार वायदा खिलाफी लगातार कर रही है। अब हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार का जो भी काम करते हैं वो सरकार नहीं करती है, सरकार केवल आदेश देती है। काम तो सरकार के हम कर्मचारी ही करते हैं और सरकार लगातार हमें मजबूर कर रही है और मजबूरन हमें अब 3 दिन के लिए निर्जल अनशन पे रहना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाई नीरज पवार जी बहुत ही सहन शक्ति वाले हैं, जो चाहते हैं कि सरकार से हमारा टकराव ना हो और अधिकारी हमारी बात मान लें, लेकिन अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो अब हम आर पार की लड़ाई करने के लिए सरकार से तैयार हैं। अब हम दो हाथ की करने को तैयार हैं, या तो सरकार हमारी मांगे मान ले, नहीं तो फिर फैसला हो जाएगा कि हम नहीं या तुम नहीं। साफ तौर पर जिस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से जो कर्मचारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरी मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे धरना ये होता रहेगा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है, मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग धरना 3 दिन का दे रहे हैं, क्या मांगे थी जो पूरी नहीं हो रही? क्या अभी सुबह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या कोई आश्वासन, कोई आपसे बात करने आया, कोई आश्वासन दिया गया? क्या आप लोग ने किसी को ज्ञापन सौंपा, कुछ बातें? अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है क्या वार्ता करने के लिए या किसी ज्ञापन लेने के लिए। इससे पूर्व हमने जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा ज्ञापन भेजे, संयुक्त शिक्षा निदेशकों के द्वारा ज्ञापन भेजे और शिक्षा निदेशक महोदय को हमने वार्ता के द्वारा बताया कि हमारी समस्याएं आप हल करिए, लेकिन कोई भी शासन में प्रमुख सचिव से लेकर शिक्षा निदेशक तक कोई भी समस्या को हल करने के तैयार नहीं है, समय देने के लिए तैयार नहीं है, फुर्सत ही नहीं है उन्हें। एक बार आप लोग की मुलाकात हुई कि नहीं? मुलाकात हमने स्वयं करी थी, लेकिन उनसे हमने वार्ता के लिए लिखा, पत्र दिया, लेकिन कोई वार्ता उन्होंने लेटर हमें नहीं दिया वार्ता के लिए। हम कर्मचारियों में आक्रोश है, या तो वो वार्ता करें, वार्ता के लिए उन्होंने टाइम नहीं है तो अपने घर बैठे, क्या काम है उनका यहाँ बैठने का दफ्तरों में? सरकार कह रही है वार्ता करो वार्ता करो वार्ता करो, अधिकारी वार्ता करने को भी बात करने को तैयार नहीं है, तो मांग कैसे पूरी होगी? मांग तो वार्ता से पूरी होगी, जागरूक होने से होगी। या आंदोलन चल रहा, आम अनशन के लिए कर्मचारी बैठा है, आप किस किस को बचाओगे कर्मचारी को? ये कर्मचारी तो मरने के लिए आए, ये जीने के लिए नहीं आए। सरकार चाहेगी तो इन्हें जिंदा रखेगी, सरकार नहीं चाहेगी तो जिंदा नहीं रखेगी। आज आर पार की लड़ाई की तैयारी है, सरकार को चेताना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन अधिकारी को बताएं, प्रमुख सचिव माध्यमिक को बताएं कि आप वार्ता करिए कर्मचारी से, अरुण की समस्या को सुनिए और पूरा करिए। बिल्कुल, ये देखिए इन लोग में आक्रोश है इतना ज्यादा कि प्रमुख सचिव से लेकर अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप लोग सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, जिस तरीके से अधिकारियों के पास जाते हैं वो लोग बात करने को तैयार नहीं, क्या आगे आप लोग ने निर्णय रखा है? क्या आगे ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे? क्या निर्णय है आप लोगों का? ऐसा है, अभी हमारा जो है यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम है और ये 3 दिन कार्यक्रम है 22, 23, 24 निर्जल अनशन है
और निर्जल अनशन के उपरांत जो है हम यहाँ पर एक जल्दी इसके बाद जो है अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, प्रदेश कार्य समिति की, और उसके बाद जो है अगले आंदोलन का जो है तय करेंगे। और वर्तमान में जो है अभी तक हमने 216 ज्ञापन हमने यहाँ जो है शासन को भेजे हैं प्रदेश स्तर से, और जनपद स्तर से तो 75 जिलों में भी जो है 4 सितंबर 2024 में ज्ञापन दिए हैं, और उसके बाद 26 सितंबर को जेडी स्तर पर यानी कि संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय स्तर पर जो है ज्ञापन दिए गए हैं। अभी तक उसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 7 अक्टूबर 2024 को हमने जो है शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंडल शिक्षा निदेशक से वार्ता की है, और इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक से वार्ता हुई है, मगर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम आपकी वार्ता लगवा देते हैं, मगर वार्ता का पत्र आज तक प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण जो है विवश होकर के आज जो है लगभग जो है 500 कोई 600 किलोमीटर दूर दूर से आकर के यहाँ साथियों को जो है यहाँ अनशन पर बैठना पड़ा। कितने दिन पहले आप लोगों ने मुख्य सचिव को अधिकारियों को अपने लेटर दिया था जो अभी तक वार्ता का निर्णय नहीं लिया गया? हमने जो है 17 अगस्त 2024 को नोटिस भेजा था, उसके बाद जो है हमने जो है 20 सितंबर 2024 को लेटर भेजा, और अभी हमने 16 अक्टूबर को भी एक जो है नोटिस यहाँ भेजा था कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा तो जो हमें जो है यहाँ पर निर्जल अनशन के लिए बैठना पड़ेगा। इसी कारण आज हम सब जो है यहाँ निर्जल अनशन पर बैठे हैं, हमारे समर्थन में है बाकी साथी सब। बिल्कुल भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? निर्जल अनशन पे बैठे हैं आप लोग की बात करने को कोई अधिकारी तैयार नहीं हो रहा है, आप लोग अनशन पे बैठ गए हैं, सुबह से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, काफ़ी कर्मचारी भी हैं और लगातार आप लोग लेटर दे रहे हैं कि आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई निर्णय नहीं आ रहा है। आखिर निर्णय क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग इतनी दूर से आए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, तो ये निर्णय ले आगे क्या आप लोगों का डिसीजन रहेगा? कैसे आगे आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी मांगों को कैसे पूरा कराएंगे? क्या आप कोई निर्णय निकाला आपने? क्योंकि अधिकारी आप लोग कह रहे हैं अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं, चाहे सचिव की बात करें चाहे अधिकारी नीचे स्तर की बात करें, कोई सुनने को नहीं, तो क्या आगे कोई बड़ा निर्णय रहेगा कि नहीं? मैं संजीव कुमार सोलंकी, प्रदेश मंत्री, सरकार को बता देना चाहता हूँ कि सरकार बहुत ही हठधर्मिता का कार्य कर रही है। हमारी कुछ मांगे तो ऐसी हैं कि जिनमें सरकार को आर्थिक लाभ भी है। मांग है पुरानी पेंशन की बहाली, दूसरी मांग है नकदीकरण, जिसमें राज्य कर्मचारियों को मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता, ये सौतेला व्यवहार है। तीसरी मांग एक शिक्षक पद पर पदोन्नति है, जो पूर्व में भी सरकार को बताया जा चुका है कि इस मांग से सरकार को आर्थिक लाभ है, लगभग 70 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ है, लेकिन फिर भी कोई अधिकारी ऊपर को बताने को तैयार नहीं कि सरकार को लाभ होने के बावजूद इस मांग को पूरा क्यों नहीं करती है, जबकि सरकार को मान जाना चाहिए कि आर्थिक लाभ होते हुए भी और कर्मचारियों का ये जब दबे कुचले हमारे साथी हैं, इनका सबका भला हो जाए, हर विभाग में प्रमोशन है, आखिर इस विभाग में प्रमोशन क्यों नहीं है, ये सरकार की जवाबदेही बनती है। और जितने भी अधिकारी और सचिव स्तर के बैठे हैं, ना हमारी वार्ता लगाते हैं, ना कि कोई सुनने को तैयार है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्जल अनशन पर बैठे हैं, उसी की ये परिणति है। तो हम सरकार से पूरी तरह से टकराने के मूड में हैं, जो होगा देखा जाएगा। प्रदेश कार्य समिति की जैसे अध्यक्ष जी ने बताया है बैठक होगी, और उसमें एक भयंकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, जिसका जो उत्तरदायित्व होगा वो स्वयं सरकार का होगा। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है, और पीछे आप देख सकते हैं भारी तादाद में कर्मचारी इधर बैठे हैं और उस बैक साइड भी बैठे हैं, तो साफ तौर पर ये कहने वाली बातें हैं कि इनकी जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये अनशन पर बैठे रहेंगे। निर्जला अनशन रखा गया है, आखिरकार इनके जो ये लगातार अपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेटर दिए जाते हैं, लेकिन लेटर देने के बाद कोई निर्णय नहीं निकल आता है। आखिरकार साफ तौर पर इन अध्यक्ष के अध्यक्ष सहित कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से टकराव के लिए तैयार हो गए। वीडियो दलित विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल पहल के बाद इस आंदोलन को राज्य की डबल इंजन सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। घरेलू रूप में निर्मित उत्पादों की मांग न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ी है, जिससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच मिला है। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतें और निर्माताओं के लिए अधिक लाभ हुआ है। इस गति को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के IGP में सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया।
22 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस एक्सपो में राजधानी के निवासियों को उचित मूल्य पर स्थानीय रूप से निर्मित रेशम उत्पाद खरीदने का अवसर मिलेगा। विभिन्न राज्यों के कारीगरों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें यूपी में बने उत्पादों के साथ साथ देश भर के रेशम उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने उद्योग में उनके योगदान के लिए 16 किसानों, उद्यमियों और फैशन डिजाइनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने सिल्क एक्सपो और राज्य की एक जिला एक उत्पाद, जिसे हम कहते हैं ओडीपी, इसके पहल पर भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से एक वैश्विक मंच मिल रहा है प्रोडक्ट को, और आज भी कल का माटी कला बोर्ड में थे, आज सिल्प एक्सपो का उद्घाटन हुआ, इससे पहले नोएडा में भी एक बड़ा सा एक इवेंट हुआ था, ये सब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा प्रदेशवासियों का, और जो खास तौर से जो छोटी इकाई वाले जो उद्योग लगा रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा प्रदेश की जनता ने बनाई है। लगातार माननीय योगी जी का एक विजन है कि हमारे जो हस्तशिल्पी कारीगर थे, ODOP का एक योजना बना करके उनको आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहन करने का एक अभियान चलाया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पूरे देश की योजना बनी। विश्वकर्मा सम्मान की योजना हम लोगों ने चलाई उत्तर प्रदेश में, जिसमें परंपरागत जो हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, उनको ट्रेनिंग देना, टूल किट देना और बैंक से जोड़ करके लोन दिलाना और रोजगार सृजन से उनको जोड़ना। तो ये लगातार जो रोजगार सृजन के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद भी हो रहा है। MSME की 96 लाख इकाइयाँ हैं, उनका भी उत्पाद बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। अब इनका प्रोडक्ट बिके कैसे, उसके लिए हम लोग इस तरह के एक्सपो का आयोजन लगातार सरकार करती है। अभी आपने देखा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय संस्करण का आयोजन हुआ, और पहला एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश किसी प्रदेश ने इंटरनेशनल ट्रेड शो अपना किया, जिसमें 70 से अधिक देशों के 500 बायर आए, लगभग 5 लाख से अधिक वहाँ फुटफॉल हुआ, 10,000 करोड़ से अधिक का पूछताछ हुई, व्यापार हुआ। उसी तर्ज में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भाई मंडल स्तर पर हमें इस तरह के एक्सपो करने हैं। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।